सो हेलो गाइस, शोरूम में चलो मैं आनंदी, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जिन लोगों के जोड़ों में दर्द काफ़ी होता है, काफ़ी ज़्यादा कमजोरी है, थकान है, नींद की प्रॉब्लम्स है, या फिर जिन लोगों को बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं, उनको शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, नींद न आने की वजह से जो है उनको आँखों में सूजन या फिर आँखों में दर्द, हमेशा आँखों से पानी गिरने की समस्या होती है। अगर आपको ये जो सारी प्रॉब्लम है अगर हमेशा होता है या फिर सुबह जब भी सोकर उठते हैं तो पूरे बॉडी में जो है पेन होता है, पूरे बॉडी की जो मांसपेशियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, आपको चलने फिरने में भी दर्द होता है, या फिर जो पैर के तलवा होता है उसमें भी अगर आपको दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या सेवन करना चाहिए जो कि आपकी जो सारी समस्याएं इजीली तरीके से खत्म हो सके बिना किसी प्रॉब्लम्स के। सो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको इसे कुछ सीखने को मिलता है वीडियो, अगर आपको पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की वीडियो बता देते हैं कि कमजोरी कई सारे कारण की वजह से भी आ सकती है, जैसे कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब कि मास्टरबेशन करते हैं इसके वजह से भी कमजोरी आ सकती है, जिनको पानी की कमी है उनको भी कमजोरी आ सकती है, जो समय पे अच्छे से खाना नहीं खाते हैं उनको भी कमजोरी आ सकती है, जिनका बीपी लो रहता है उनको भी बार बार कमजोरी, चक्कर, मिचली, ऐसी सारी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो इसको जो है ख़त्म करने का एक बहुत ही इजली तरीका आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कुछ अपने डाइट में भी आपको चेंज करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे कि आपके खान पान में भी बदलाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना है गाइस, कि आप जो भी खाना खाते हैं खाना मतलब कि आप हल्के खाना खाएं, कम मसाले वाले खाएं और कम तीखा वाला खाएं। दूसरी बात कि आप सुबह के नाश्ते में कम से कम जो दलिया होता है, दलिया का खिचड़ी, दलिया का हलवा या फिर दलिया, इसका किसी भी प्रकार की रेसिपी बनाकर सुबह नाश्ते में सेवन जरूर करें। इसमें विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, कई सारे से चीज़ें पाई जाती है जो कि हमारी कमजोरी के लिए, साथ ही हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, तो दलिया का सेवन आप लोग जरूर करें। दूसरा है मखाना, आप नाश्ते में मखाने का खीर या फिर मखाना दूध में उबाल कर इसका सेवन कर सकते हैं। जो जोड़ों में दर्द होता है या फिर जो मांसपेशियों में ऐठन हो जाता है, कभी कभी देखा जाता है कि लोगों की हाथों में कहीं कहीं मसबीरे जैसा निकल जाता है जिससे कि गांठ होने की समस्या कहा जाता है, ऐसे समस्या को दूर करने में भी, साथ ही खून की कमी को पूरा करने में, जिनका रेड या फिर व्हाइट कलर का जो ब्लड कम हो जाता है, ऐसे लोगों को इस मखाने का सेवन जरूर करना चाहिए, ये आपकी आँखों की रोशनी को भी तेज करने में मदद करता है। इस अगला हम आपको जो बता रहे हैं वह है खसखस। खसखस एक ऐसा चीज़ होता है जो कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े नौजवान सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक समझ लें कि ऐसा फ्रूट्स है जो कि इसका सेवन करने से कमजोरी, थकान, खून की कमी, जोड़ों का दर्द, माइग्रेशन की प्रॉब्लम, नींद न आने की समस्या, खसखस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करते हैं उनको कभी भी कमजोरी या फिर कभी भी ऐसे शारीरिक कमजोरी या फिर मानसिक कमजोरी जैसी समस्याएँ नहीं होती है। तो जो खसखस होता है आप इसका पाउडर बनाकर दूध में उबाल कर भी पी सकते हैं, या फिर खसखस को इसी तरीके से बिना उबाले बिना भुने भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे इस चीज़ को सेवन करने से आपकी स्किन में भी काफ़ी ज़्यादा चमक और ग्लोइंग बढ़ती है, इसे बालों से जुड़ी समस्या को भी दूर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिला होगा, जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स होती है इन छोटे छोटे चीज़ों का सेवन करें, इसे फॉलो करें, आपकी समस्या बहुत ही इजी तरीके से खत्म हो सकती है। मिलते हैं एक नई जानकारी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें अपना एंड अपने फैमिली का ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।